तो भाई जो हमारा 24 कैरेट गोल्ड बर्गर चैलेंज कर देगा उसे मिलेंगे 2100 रुपए कैश। चाहते नहीं हो अगर 2100 रुपए खोना तो खाना पड़ेगा बर्गर जो कि है 24 कैरेट सोना। रुको 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 रुको, बर्गर है आपका 24 कैरेट सोने का, अब दुख मनाओ अपने 2100 रुपए खोने का। जीतने वालों को मिलेंगे पूरे पूरे 2100 रुपए। भाई इतना बेहतरीन चैलेंज नहीं देखा भाई, खाने के ऊपर मिल रहे हैं 2100 रुपए, वो भी सोना खाने पे। तो भाई देर किस बात की, जल्दी से चैलेंज शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ का जो गोल्डन बर्गर है 24 कैरेट का बर्गर है वो बनता कैसे है। आइए चलिए। तो भाई सबसे पहले तो ये बताइए, ये कॉन्सेप्ट का आइडिया कहाँ से आया आपको? भाई कॉन्सेप्ट का आइडिया आया मेरे को आज के यूथ से, मतलब इट फूड फोन PONE, मतलब पहले आओ फूड फोन तब जाने की दुनिया तुम भोको। क्या बात है भाई, ये आपकी टैगलाइन है? टैगलाइन है हमारी। आज मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ अपने 24 कैरेट गोल्ड बर्गर, जिसको खा के आपको मिलेंगे 2100 रुपए कैश अगर आपने 2 मिनट में पूरा कॉम्बो खत्म कर लिया। अच्छा कॉम्बो भी है? पूरा पूरा कॉम्बो, इसमें आपको पास्ता मिलेगा, फ्राइज मिलेंगी, 2 ड्रिंक्स मिलेंगी और एक बड़ा सोने का बर्गर मिलेगा। वो बर्गर मैं आपको बना के दिखाऊंगा कैसे बनता है, और अगर पूरा खा लिया तो आपको मिलेंगे पूरे 2100 रुपए कैश। तो भाई हम पूरा बनाते हैं अमूल मक्खन में, ठीक है, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता कहीं पे टेस्ट का, बिकॉज हमारा टेस्ट ऐसा है कि आपको कहीं मिलेगा ही। वैरायटी है चिकन की, ओके, वो हम रेडी करते हैं। और बेसिकली द थिंग इज दैट कि मैक्सिमम जितने भी बर्गर वाले हैं या कुछ भी जहां बर्गर बनता है आपको वहां पे पैटी ही दिखेगी, बट हमारा कंसेप्ट ये है हम पैटी यूज नहीं करते, हम अपना घर से फ्रेश चिकन बना के लाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके ठीक है, ये अपना फ्रेश चिकन मसाला घर में बनाया जाता है। अगर कोई वेजिटेरियन हो तो उसके लिए वेज मसाला भी है हमारे पास। ओके भाई, यहाँ पे पास्ता की जो है तैयारी हो रही है, और भाई सारे जो है यहाँ पे सारे यंगस्टर जो है यहाँ पे काम करते हैं, कोई भी आपको वो वाला नहीं मिलेगा है, बुड्ढा कोई नहीं है, ज्यादा बस यंगस्टर्स हैं। ओके, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चिकन में चीज लगी हुई है, हम स्पेशली इसके अंदर अमूल चीज डालते हैं ताकि जो हमारा चिकन है वो सॉफ्ट हो जाए खाने में। दैट्स व्हाई वी डोंट सर्व पैटी, वी गिव फ्रेश चिकन। हो जाओ, अब इसमें से आने वाली है चिकन की स्पेशल फायर। अरे वाह, आ जाने वाली है। अरे भाई साहब क्या बात है भाई, यहाँ पे अपना चिकन जो है वो हो चुका है प्रॉपर रेडी, अब चिकन सिर्फ सॉटे हुआ है। ठीक है, अभी इसके अंदर मेन चीज डालना बाकी, सबसे पहले अपनी थोड़ी सी क्रीम, ठीक है, फ्रेश क्रीम। हमारे एक ऐसा मसाला है जो हमने खुद बनाया हुआ है, हम आपको बताएंगे नहीं इसमें क्या, पहले आओ टेस्ट करो तो पता चलेगा। ओके, ये हमने डाल दिया, अब डालेंगे पेरी पेरी मसाला, ठीक है, इसके बाद हम डालेंगे ग्रीन ऑलिव्स, इसके बाद डालेंगे इसमें ब्लैक ऑलिव सिर्फ एक पीस, बस बिकॉज इसका टेस्ट बहुत ज्यादा सॉर होता है। तो भाई बहुत सारी चीजें डाली जा रही है यहाँ पे, यहाँ पे डालेंगे जलेपीनो, ठीक है, अब हम करेंगे इसको बढ़िया से मिक्स, जिसमें हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा टेस्ट डालते हैं, बिकॉज दिस इज द सोना चैलेंज, 24 कैरेट सोना चैलेंज। सीख कबाब, ठीक है भाई, ठीक है, हाँ जी, डाल दिया हमने सीख कबाब, फ्रेश सॉसेज, सॉसेज भी जाएंगे इसके अंदर, सलामी भी डलती है बट वो बाद में डालेंगे। तो भाई सब लोग यूज करते हैं नॉर्मल बन, हम यूज करते हैं फ्रेश होल व्हीट बन, और ये है जंबो बन, आप खा के देखना तो आपको इसका टेस्ट पता चलेगा। बनाए फटाफट से, हाँ जी, हाँ जी। से अपना अमूल मक्खन अपने बन के लिए, इतनी बढ़िया ओरिगैनो है इसके ऊपर, और ये सॉफ्ट है बहुत ज्यादा, डबल भी कर लोगे तब भी बहुत सॉफ्ट है। सही बात है, ठीक है, मुंह में रखा और एकदम घुल गया है। एग्जैक्टली, बन जो है अभी यहाँ पे गरम करे जा रहे हैं। तो भाई साथ के साथ यहाँ पे रेडी हो रहे हैं फ्रोजन फ्राइज। ओके भाई, जो फ्रेश, एक बार आप तेल में देखिए, जो फ्रेश एकदम यहाँ पे बिल्कुल होता है। येलो ऑयल है हमारे पास, ये देख सकते हैं। क्या बात है भाई, भाई स्ट्रीट फूड के अंदर मैंने आज तक इतना साफ ऑयल यूज करते हुए किसी को नहीं देखा। हमारा ऑयल डेली चेंज होता है, डेली चेंज होता है। यहाँ पे रेडी हो रहा है अपना स्पेशल पनीर फॉर आवर बर्गर। अच्छा पनीर भी खुद ही रेडी करते हैं, बिकॉज इस बर्गर में बहुत सारी चीजें डालते हैं, एकदम फ्रेश पनीर है भाई। पनीर जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है, तो भाई यहाँ पे लगा रहे हैं अभी फ्रेश सलामी गर्म करने के लिए और गोल्ड स्प्रिंकलर, ठीक है, जो कि हमारे गोल्ड बर्गर में डलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारी जो चिकन की ड्रेसिंग है और पनीर की ड्रेसिंग है, इसमें हम डालेंगे अपने स्प्रिंकलर, ठीक है, ओके, और ये हल्का सा ही डस्ट करते ही ये पूरा गोल्ड का हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ आपको 2 मिनट की कोटिंग। अरे वाह भाई, अंदर भी सोना और बाहर भी सोना, तवे पे भी सोना, क्या बात है भाई। और ये एडेबल पाउडर है, इट इज नॉट हार्मफुल और केमिकल। तो भाई यहाँ पे हम रखा पहले बर्गर का अपना बन, हाँ जी, गोल्ड ड्रेसिंग जो कि आपको मैंने बताई थी। सही बात है भाई, वैसे तो इसमें 4 से 5 तरीके की सॉसेज डलती हैं, बट इसका टेस्ट आपको आने वाला है
बहुत तगड़ा, ठीक है। अब हम डालेंगे शेडर चीज की स्लाइस मसाला, और पहले इसमें रखेंगे अपनी एक नॉर्मल चीज स्लाइस, ठीक है। लेटस भाई लेयर वाइज, लेयर बनेगी भाई। एक और चीज की स्लाइस जो है यहाँ पे जा चुकी है, आएंगे फ्रेश सलामी, एक और आ गई भाई चीज की स्लाइस ऊपर से, ठीक है। हाँ। अब इसमें आएगा फिर से चिकन का मसाला, अरे वाह भाई, भाई चीज स्प्रेड, अरे वाह, एक और चीज की स्लाइस, फिर से चीज भाई, चीज की तो यहाँ पे भरमार है। हाँ भाई चीज की भरमार, फाइनली करेंगे इसको क्लोज। बहुत बढ़िया। तो भाई आपको ये बर्गर देखने में तो लग रहा होगा बहुत आसान, बट जब इसको खाओगे ना तो इस पे करना पड़ेगा आपको अपना एहसान। क्या बात है भाई, हाँ भाई राइमिंग चल रही है भाई आज की वीडियो में। पूरी पूरी सबसे पहले अपनी चांदी की कोटिंग, ओके भाई ये चीज पड़ती है मैं सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव। ये देखो भाई, तो भाई चांदी की परत चढ़ चुकी है, ये बिल्कुल एडिबल पाउडर है फ्रेशली, मतलब ये बिल्कुल एडिबल पाउडर है। और ये केक्स वगैरह में डलता है आई थिंक। हाँ बेसिकली ये यूज होता है चॉकलेट्स के लिए। ओके हाँ जी, रेडी हो गया है अपना 24 कैरेट गोल्ड बर्गर, ठीक है भाई। ओहो भाई ये बन चुका है यहाँ पे यहाँ का कमाल। हाँ भाई बिल्कुल अपना बर्गर रेडी है, बाकी चीजें रेडी हो रही हैं। चार सिरिंज भाई फिर रेडी हो सोना खाने के लिए, पैसे जीतने के लिए। बिल्कुल भाई एकदम रेडी हो, बस मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए कि मैं चीजें सेट अपने हिसाब से कर लूँ। तो वो कर सकते हैं ना, लोग भी कर सकते हैं ना, कोई भी कर सकता है, बट एक ही बंदे का चैलेंज है। 1, 2, 3 स्टार्ट। बर्गर गया आधा और ये बचा हुआ आधा, ये भी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। टाइमर यहाँ चल रहा है, टाइमर और बर्गर खत्म। ओ भाई, ओ भाई 30 सेकंड में बर्गर खत्म भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लो बर्गर आपका खत्म हो चुका है यहाँ पर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ भाई चलो चलो, पूरा बर्गर खत्म। अरे अरे भाई साहब ग्लास भी जा रहे हैं आपका। भाई 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 भाई, ओ भाई ड्रिंक्स खत्म, बस ये भी गया पूरा खत्म। चलो जी भाई, एक नंबर, दूसरी भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब। ये भी आपका ग्लास खत्म, भाई इतने तेज स्पीड में इसका खत्म होने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, टाइम से पहले ही कर लोगे क्या भाई साहब? बहुत दिखा दो जरा, की वो भी जा रहे हैं उनके अंदर भाई, और फास्ट, और फास्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। प्राइस का टेस्ट कैसा है? वो टेस्ट के बारे में मत बात करो, अभी फोकस कर रहे हैं टाइमिंग के हिसाब से। ये भी बकेट खत्म कर दी क्या? ओनली 51 सेकंड लेफ्ट, और प्राइस से मुंह भरा हुआ है, और यहाँ सिर्फ पास्ता रह गया। जल्दी से जल्दी खत्म कर दो, 50 सेकंड अभी बचे हैं तुम्हारे पास। भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाथ से खा लो पास्ता, हाथ से खा लो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देसी हिसाब किताब से शुरू हो गए यहाँ पर, राजमा चावल खाए जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। अरे यार इतनी टाइम रखने के बाद भी इतनी तेज भाई, मेरे 21 हो गए, लेट पास्ता 21 हो गया आज। ओ भाई इतनी तेज पास्ता खत्म, बस 21 निकाल लो भाई, हो गया कंप्लीट भाई, 21 खत्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई अब तक का सबसे ज्यादा टफ चैलेंज था, थोड़ा रुक के हाथ वाथ साफ करें, फिर जाके भाई साहब ने विनिंग वाला रिएक्शन लिया। बट तभी भी 1 मिनट 55 सेकंड और मेरे गए यहाँ पे फिलहाल तो 2100 रुपए खत्म। नहीं तो भाई जीत चुके हैं 2100। रुको 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 रुको, तो भाई कैसा लग रहा है, हार गए भाई? भाई चलो कोई बात नहीं, बुरा तो लग रहा है थोड़ा बहुत, बट कोई बात नहीं, चीज जीतने के लिए रखी थी, 2-3 लोग आए थे, बट पहला बंदा तो जीता है भाई। अच्छा और भी आए थे? और भी आए थे। क्या बात है भाई, इस बार ही ना भाई इन पैसों का हम सही जगह इस्तेमाल करेंगे। और भाई हर बार हम वापस कर देते हैं, बट इस बार ही जो हमारे छोटे छोटे भाई हमें रास्ते में मिल गए थे, ये दो भाई
तो भाई थोड़ी सी हेल्प तो इनकी कर देते हैं। लो भाई ये आपका इनाम, और ये आपका इनाम ऑटो और बच जाए क्या। भाई लोकेशन बता दो अगर किसी को चैलेंज करना हो तो। विकासपुरी, विकासपुरी इन फ्रंट ऑफ पीवीआर। तो भाई विकासपुरी इन फ्रंट ऑफ पीवीआर में आपको वहाँ पे आना है। फूड देख सकते हैं आप, फूड फोन के नाम से इनकी यहाँ पे आउटलेट मिल जाएगा आपको। कि जल्दी से आइए, और ये कड़क नोट आपके ये भाई नेक्स्ट।